हेलो एवरीवन, इंडियन कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग फ्यूल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स पढ़ चुके थे, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल, जिसमें हम लोग सॉलिड फ्यूल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो जो इस चैनल में न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूल, तो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ फ्यूल, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल जो कि कोल फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके थे। कोल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले कोल जो फॉर्मेशन होता है ऊड से होता है, ऊड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो ऊड से बनता है वो पीट बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज बनता है वो है लिग्नाइट कोल, उसके बाद बिटुमिनस कोल, उसके बाद एंथ्रासाइट कोल, एंथ्रासाइट कोल। तो याद रखिए, जैसे जैसे आपका फॉर्मेशन का स्टेज बढ़ रही है उसका क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे इसका क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। ओके, हीटिंग वैल्यू बढ़ते जाएगी। हीटिंग वैल्यू मतलब वुड का सबसे कम हीटिंग वैल्यू होगा और एंथ्रासाइट कोल का सबसे ज्यादा हीटिंग वैल्यू होगा, और क्वालिटी के हिसाब से एंथ्रासाइट कोल सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन हम लोग स्टीम कोल के रूप में, स्टीम कोल के रूप में हम लोग यूज करते हैं बिटुमिनस कोल को, इसको स्टीम कोल भी बोला जाता है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंडिया में बिटुमिनस कोल बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सोर्स यहां पे बिटुमिनस कोल का बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम लोग इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसका पूरा डेटा हम लोग ऑलरेडी वुड के बारे में और पीट के बारे में पढ़ चुके थे, अभी हम लोग लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट कोल का यूज करें मतलब पढ़ेंगे। इसके अलावे कुछ प्रिपेयर्ड कोल है, प्रिपेयर्ड कोल जो हम लोग घर में बनाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे चारकोल हो गया। इसके अलावे कोक हो गया, ब्रिक्वेटेड कोल, ब्रिक्वेटेड कोल और पल्वराइज्ड कोल, पल्वराइज्ड कोल। तो ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, तो वुड और पीट के बारे में, आज लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट कोल और चारकोल, कोक, ब्रिक्वेटेड कोल और पल्वराइज्ड कोल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबका क्या क्या प्रॉपर्टीज है और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम बात करेंगे, और जो कि पूरे पूरा ये जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यूज रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम हर क्लास में हम बोलते हैं, नोट्स बनाइए। जो जो हम बना रहे, हम जो लिख रहे हैं उसको आप नोट्स बनाइए, उसको डेली सुबह में रिविजन कीजिए और देखिए आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, तो इसलिए बिना कोचिंग किए आप मेरा क्लास को देख सकते हैं, बिना पैसा का फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एंथ्रासाइट कोल, सॉरी क्या है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल। तो लिग्नाइट कोल जो है इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, सेकेंड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन फ्रॉम वुड। अगर हैंडराइटिंग में कुछ समझ में नहीं आ रही है थोड़ा बहुत, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन है, और इसका दिक्कत क्या है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा पाया जाता है, मॉइस्चर
30-40% मॉइस्चर होता है, और कार्बन परसेंट भी जो बहुत लेस होता है, कितना 50-60% ओनली, जिसके कारण कार्बन परसेंट अगर कम है तो इसका हीटिंग वैल्यू कम होगा। हीटिंग वैल्यू बोलने का मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब पर केजी में कितना हीट देगी वो कम होगा, ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है मीन्स उसको यूज करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका कुछ हम इंफॉर्मेशन बता दें, जैसे कि लिग्नाइट कोल जो है, लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं, ब्राउन कोल भी बोला जाता है क्योंकि ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन इन कलर, ठीक है। और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरीफिक वैल्यू अबाउट 25,000 किलोजूल पर केजी। तो इसमें मेन चीज क्या रखना है, मॉइस्चर कंटेंट और कार्बन कंटेंट, और ये ब्राउन कलर का होता है, कैलोरीफिक वैल्यू 25,000, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं बिटुमिनस कोल की तरफ। बिटुमिनस कोल, तो बिटुमिनस कोल क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। ये थर्ड स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन फ्रॉम, ठीक है, ये जब जलता है तो इसका फ्लेम जो होता है येलो फ्लेम होता है, फ्लेम कैसा रहता है, येलो, येलो फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। और इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो होता है मॉइस्चर कंटेंट 4-6% होता है मॉइस्चर कंटेंट, एंड कार्बन कंटेंट ठीक ठाक होता है 75-90% तक, ठीक है। इतना बड़ा हम रेंज क्यों दे रहे हैं कि बिटुमिनस कोल में और भी टाइप्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इतना बड़ा रेंज दे रहे हैं, क्योंकि कुछ जो कोल्स होता है थोड़ा लो ग्रेड का होता है, जो कि थोड़ा उसका कार्बन कंटेंट कम रहता है, और जो कोई हाई ग्रेड का बिटुमिनस कोल होता है थोड़ा ज़्यादा रहता है कार्बन परसेंटेज, तो उसके हिसाब से उसका हीटिंग वैल्यू भी चेंज होता है। मीन्स अगर जिसका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है हीटिंग वैल्यू ज़्यादा होगा, कार्बन कंटेंट कम है उसका हीटिंग वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो इसका एवरेज कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, इकतीस हजार से लेके 34,000 किलो जूल पर केजी, 31,000-34,000 तक, ओके। इसका यूज क्या है, तो डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज एंड पावर प्लांट, ओके। अब जो बिटुमिनस कोल है इसका टू टाइप्स पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कोल। ये जो हम लोग का एनवायरनमेंट में मीन्स अर्थ क्रस्ट में जो पाई जाती है, ये टू टाइप का पाया जाता है। टू टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कोल क्या क्या है, तो पहला तो है केकिंग बिटुमिनस कोल, केकिंग बिटुमिनस कोल, ठीक है। और दूसरा जो है नॉन केकिंग, बिटुमिनस कोल, ठीक है। तो केकिंग बिटुमिनस कोल का मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो केकिंग जो होगा वो
जैसे कि एक कोल का चाप है, ये मान लीजिए एक कोल का चाप है, फिर क्या होगा, दूसरे कोल का चाप के साथ वो एडहियर हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगी। ओके, फिर क्या होगा कि तीसरा कोल का लेयर के साथ फिर सड़ जाएगा। तो इस टाइप का एक जानता है, ये लेयर वाइज बनाता है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, ऐसे करके लेयर बनाता है। तो ये एक कैसा है, जैसे हम लोग केक देखते हैं, है कि नहीं, केक का भी ऐसे लेयर बनाता है स्टेप बाई स्टेप, तो ऐसे स्टेप बाई स्टेप बनता है केक की तरह, इसलिए उसको बोलाता है केकिंग बिटुमिनस कोर। इसमें दिक्कत क्या आता है, इसके बीच का, ठीक है, इसके बीच में जो दो लेयर के बीच में जब उसको फायरिंग किया गया जाता है, जब उसको बर्न किया जाता है, तो उसमें क्या है कि बीच का जो पार्ट है वो सही से बर्न नहीं होता है। तो डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन बर्निंग क्या होता है, बर्निंग में डिफिकल्टी आती है, ठीक है। और इसके कारण अगर बर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही है तो क्या होगा कि वो सही से जो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको जो यूटिलाइज प्रॉपरली, नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। और इसका जो ये थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, 35,000 किलोजूल पर केजी। इसका कारण क्या है कि केकिंग जो कोल है, इसका कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, कार्बन कंटेंट मोर देन 81%, मतलब 81 से 90% के बीच में पाया जाता है, 81 से 90% के बीच। तो इसमें अब देख रहे हैं कि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके कारण इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है, तो सबसे पहले ये सॉफ्ट होता है, कैलोरीफिक वैल्यू इतना होता है और कार्बन कंटेंट इतना होता है। और इसके अलावे इसका जो यूज़ है, इसका यूज हम लोग करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए और मैन्युफैक्चरिंग गैस प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग गैस, ठीक है। तो ये है उसका यूज। अब हम लोग आते हैं नॉन कैकिंग बिटुमिनस कोल। नॉन कैकिंग बिटुमिनस कोल सबसे पहला ही हम शुरू में ही बता दें, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम कोल, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बॉयलर में, स्टीम प्लांट में, ठीक है, पावर प्लांट में हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो नॉन कैकिंग बिटुमिनस कोल जो है, इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है 78 to 81% होता है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो अबाउट 33,000 किलोजूल पर केजी होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम कोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे यूज इन बॉयलर, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्टीम। तो ये था आपका नॉन कैकिंग बिटुमिनस कोल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज क्या इसमें होता है, स्टीम पावर प्लांट में, स्टीम, इसलिए इसको स्टीम कोल बोला जाता है, ठीक है। तो ये बिटुमिनस कोल हो गया। अब नेक्स्ट है
एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल क्या है कि फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, फाइनल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन। इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है इसमें कार्बन कंटेंट मोर देन 90%, मतलब देख रहे हैं कितना ज्यादा है कार्बन कंटेंट, बहुत ज्यादा मींस हाई हीट वैल्यू। कितना हीट वैल्यू होता है, हीट वैल्यू मींस कैलोरीफिक वैल्यू, याद रखिए कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कितना होता है 36,000 से लेके 37,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है 36,000 से 37,000 तक होता है, ठीक है। और इसका हम लोग ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये क्या है वेरी हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड ये होता है वेरी हार्ड। इसका यूज क्या है, इसका यूज भी पावर प्लांट में करते हैं, पावर प्लांट में करते हैं स्टीम जन क्या बोलते हैं पावर प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन डोमेस्टिक यूज। लेकिन क्या है कि अगर सिंपली अगर पूछा जाए कि कौन सा जो कोल है वो हम लोग स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं, तो क्या हम लोग बोलेंगे नॉन केकिंग बिटुमिनस कोल। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा और बिटुमिनस कोल का ऑप्शन में रहा तो हम लोग बिटुमिनस कोल मारेंगे, ठीक है। और एंथ्रासाइट कोल का हम लोग क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि इंडिया में इसका जो भंडार है, सोर्स है, रिसोर्सेज जो है कम है, लेकिन इसका यूज किया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा टाइप का कोल है। लेकिन इसका एक डिमेरिट क्या है कि ये तुरंत जल के खत्म हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं, दूसरे देशों में यूज हो रही है। लेकिन अगर पूछा जाए तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो बिटुमिनस कोल माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक जलती है, ये तुरंत खत्म हो जाता है जल के, तुरंत दिए जल के तुरंत खत्म हो गया। तो हमको चाहिए कितना देर तक, हमको कंटिन्यूस पावर प्रोडक्शन करना है, तो जितना देर तक वो जलेगा, अगर थोड़ा कम ही हीटिंग वैल्यू है, कम ही हीट दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा भी नहीं कि जल ही नहीं रहा, तो इसलिए मीडियम क्वालिटी का जो बिटुमिनस है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टीम पावर प्लांट में, ठीक है। तो ये था आपका नेचुरल कोल का क्लासिफिकेशन और स्टेज फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ और उसका प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे प्रिपेयर्ड कोल जो हम लोग घर में बनाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, थैंक यू। और फिर से हम बोल रहे हैं जो